नमस्कार, जय सिया राम। तेरे राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन तू काहे को डरे। कहते हैं ना कि राम जी दो अक्षर का नाम है, लेकिन बहुत शक्तिशाली पावरफुल नाम है। और वाल्मीकि जी का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने कितने पाप किए थे, लेकिन किसने उसका बेड़ा पार किया? केवल ये दो शब्दों का, राम शब्द ने। वो भी राम नहीं बोल रहा था, वो मारा मारा बोल रहा था। आप सोचिए, आप अगर अच्छी तरह से सीताराम सियाराम का नाम लेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो ये जो रामनवमी चल रहा है, घर घर में, हर मंदिर में, शिवाला में, घरों में, शहरों में, गांवों में, ये वातावरण को पवित्र भी कर रहा है और हमारे दुखों को दूर भी कर रहा है। तो आज हम आए हैं बोम्बू के कैलाशनाथ हिंदू मंदिर में, और यहाँ पर जो मंडली है उनसे आप रामायण पाठ सुनेंगे। ये जो कार्यक्रम है मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। Yeah.
परम पूज्य पंडित जी, हमारे श्रोतागण, हमारे कीर्तन रामायण मंडली जी, आप सभी भक्तों जहाँ पर आए हुए हैं आज, तो आज सभी को स्वागत है सभा बाबू कैलाशनाथ सभा की ओर से। अब हम पंडित जी का स्वागत हम करने जा रहे हैं। भगवते रामचंद्राय। तो अभी के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए बॉम्बू के कैलाशनाथ मंदिर में। तो अभी के लिए साक्षात चैत्र मास जो है प्रारंभ हुए हैं, और चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से ही हम लोग नया साल मनाते हैं, जो कि भारतीय पंचांग में दर्शाया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे मॉरिशस देश में, और जहाँ पर हिंदू के जनजाति बसे हैं, प्रतिपदा चैत्र मास शुक्ल पक्ष से ही हम लोग रामनवमी को हम लोग प्रारंभ करते हैं, यानी कि प्रतिपदा तिथि से ही हम लोग व्रत धारण करते हैं। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हम लोगों को बहुत कुछ सिखा गए। तभी के लिए आज तक हम लोग अभी तक भगवान की ही आदर्शों को हम लोग मानते हैं। तभी के लिए घर घर में, मंदिरों में आज के लिए पूजा जो है की जाती है। यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर में लगातार 9 दिनों तक पूजा जो है चलेंगे। और अभी के लिए साथ ही साथ वर्तमान में कोरोना का महामारी जो है अभी तक चल रहा है, कुछ लोग जो है नहीं आ पाए हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल में वर्णन किया गया कि कम से कम 50 लोग जो है मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग अपने ही घर में यदि उपस्थित हैं, वे लोग व्रत धारण किए हुए हैं, तो उन लोगों से भी निवेदन है कि कम से कम रामायण जो हैं ग्रंथ जो हैं खोल करके, जहाँ पर वे लोग पूजा करते हैं, जहाँ पर आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पर रख करके कम से कम उसकी पूजा करें, कम से कम एक दिन के लिए एक पृष्ठ का आप पाठ करें। इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से जीवन को ले जाना है, किस प्रकार से जीना है, साक्षात श्री रामचंद्र जी ने दर्शाए हैं। तभी के लिए यहाँ पर साक्षात पूजा विधि से ही हम लोग प्रारंभ करेंगे, फिर इसके बाद में आरती और कथा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि लगातार 9 दिनों तक आप लोग व्रत धारण करें, साथ ही साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को आप लोग पूजें। ओम श्री रामाय स्वाहा। अतः श्री सर्वदेव होमाख्यां पूजां श्री विष्णवे स्वाहा। ओम श्रीं श्रीयै स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम सरस्वत्यै स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम वं वरुणाय स्वाहा। ओम गणपत्यादि पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इंद्र आदि अष्टदिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम चतुष्टय योगिनी देव्यै नमः स्वाहा। षोडशमातृका देव्यै नमः स्वाहा। सप्तग्रीत मातृका देव्यै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते हनुमंताय स्वाहा। ओम हुम हनुमते नमः स्वाहा। श्री श्री पंचमुखे हनुमते नमः स्वाहा। ओम
वास्तु पतये स्वाहा प्रधान देवता यस्वाहा स्थान देवता यस्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम भूम्यै नमः स्वाहा ओम तोलस्यै नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम गुरु परंपरायेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा अतः भूर्स्वाहा इदं वैष्णवे इदं नमं भवस्वाहा नमस्ताय इदं नमं स्वाहा इदं नारायणाय इदं नमं भूर्भुवस्वाहा इदं अनन्ताय इदं नमः ओम अनन्तर्मं स्वाहा मचूदन्वं स्वाहा सरस्वते अन्वं स्वाहा देवसविता प्रसावे जय श्री राम। तो बाबू कैलाश मंदिर की ओर से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राम भजन आप लोगों के सामने। जय श्री राम। श्री राम राम रतिते श्री राम रतिते रतिते बीते रे उमरिया कब लोगे तुम रघुराई दासी की खबरिया। श्री राम राम रतिते श्री राम रतिते रतिते बीते रे उमरिया कब लोगे तुम रघुराई दासी की खबरिया।
उपस्थित विद्वान विदुषगण, धर्म के रक्षक मातृशक्ति आए हुए श्री रामचंद्र जी के भक्तजनों, आप सभी लोगों को सादर अभिवादन। सभी लोगों का स्वागत जो है किया जाता है मंदिर के ही प्रांगण में। तो देखिएगा कि आज हम सब लोग फिर से यहाँ पर उपस्थित हुए। आज दूसरी रात्रि है कि हम लोग यहाँ पर राम कथा चला रहे हैं। वैसे चैत्र मास कहने के लिए दूसरी रात्रि है, लेकिन तिथि हम लोग तृतीया में प्रवेश कर चुके। जिस प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में हम लोग सुनते हैं, जो कथा जो हैं बतलाए जाते हैं, जो साक्षात वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखित हैं अथवा संत तुलसीदास द्वारा लिखित हैं, हम सभी लोग मनुष्य जो हैं, साधारण मनुष्य, जब हम लोग इन्हीं कथा को हम लोग पढ़ते हैं तो साक्षात हमारे जीवन में गौरव आ ही जाते हैं। तभी के लिए हम लोग अभी तक भगवान को मानते हैं, कथाओं को हम लोग मानते हैं। जिस प्रकार से श्लोक में दर्शाया गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, कि जब हम लोग रामायण की ही चर्चा करते हैं तो इसमें साक्षात भक्ति को ही दर्शाया गया। और भक्ति नौ प्रकार के होते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर नवधा भक्ति के बारे में वर्णन किया गया कि जब हम लोग भगवान को अपनाते हैं तो किस प्रकार से हम लोग भगवान को अपनाना चाहते हैं, कि हम लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नवधा भक्ति में ही दर्शाया गया। अथवा आप लोग कथा को आप लोग सुने, कीर्तन करें, भगवान का गुणगान करें, कथा को आप लोग स्मरण करें, भगवान की ही श्री चरणों को आप सेवा करें, अर्चना कीजिएगा, मंदिर में आकर के पूजा करें, वंदनम भगवान की आप लोग वंदन करें, साथ ही साथ भगवान के हम लोग दास होकर के ही भगवान की हम लोग सेवा करते हैं, भगवान को हम लोग मित्र के रूप में भी हम लोग अपनाते हैं, और इसी प्रकार से आत्मनिवेदनम कि पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के समक्ष समर्पण करना है। तभी के लिए राम कथा जो है हम लोग सुनते हैं, बारंबार हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को साक्षात कि किस प्रकार से हम लोगों को जीवन जो है व्यापन करना है, यहाँ पर जब हम लोग चर्चा करते हैं रामायण के बारे में तो वर्णन किया गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कि भगवान साक्षात पृथ्वी लोक में आए। यदि हम लोग वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जो लिखित रामायण है तो यहाँ पर भगवान साक्षात एक साधारण सी ही मनुष्य के रूप में आकर के उन्होंने जीवन व्यापन की। तभी के लिए मनुष्य को प्रेरणा जो है दिया गया। तो कल हम लोग यहाँ पर प्रसंग चला रहे थे कि किस प्रकार से साक्षात राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग ऋषि को बुला करके ही उन्होंने निवेदन की, क्या करना है, पुत्रेष्टि यज्ञ, कि साक्षात पुत्रेष्टि यज्ञ जो है संपन्न कराया गया। हालांकि राजा दशरथ के पास तीन रानियां थी और तीनों रानियों नि संतान, तभी के लिए राजा को बहुत ही दुख होता था, और राजा को दुखित देख करके खुद तीनों रानियों और दुखित हो जाती थी। तभी के लिए निर्णय लिया गया, साक्षात राजगुरु से ही प्रश्न पूछा गया, इसके बारे में चर्चा किया गया, तो यहाँ पर बोला गया, इसी निर्णय पर उतर आए कि चलो यदि आप संतान को ही प्राप्त करना चाहते हैं तो चलो आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिएगा, ऋष्यशृंग ऋषि को बुला करके ही आप यह यज्ञ संपन्न कीजिएगा। तो इसी प्रकार से ऋष्यशृंग ऋषि को साक्षात अयोध्या में उनको बुलाया गया, उनका अतिथि सत्कार इत्यादि सब किया गया। तभी के लिए यहाँ पर राजा ने साक्षात अपनी दुख की बात सुनाई, तो यहाँ पर साक्षात ऋष्यशृंगी
तैयार हुए कि चलो, कि आप संतान को प्राप्त करना चाहते हैं तो चलो पुत्र स्त्री यज्ञ संपन्न करा लेते हैं। तो उसी प्रकार से यज्ञ की तैयारियों में सब लोग जो हैं लग जाते हैं। बड़े भव्य रूप से यज्ञ जो है संपन्न किया गया, और जिस प्रकार से यज्ञ संपन्न किया गया, यज्ञ की पूर्ण आहुति करने पर ही साक्षात अग्निकुंड के ही माध्यम से विष्णु दूत जो हैं प्रकट हुए, साक्षात एक स्वर्ण पात्र को लेकर के ही प्रकट हुए। और उसी स्वर्ण पात्र में क्या पाए जाते थे? खीर, अमृत। तभी के लिए साक्षात राजा दशरथ को अर्पण किया गया यह खीर, और यह खीर को लेकर के तीनों रानियों में बांटा गया। रामचंद्र की जय।
से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। तो देखिएगा, यज्ञ की ही पूर्णाहुति होने पर ही साक्षात विष्णु दूत जो हैं स्वर्ण पात्र को लेकर के प्रकट हो गई और उसी पात्र में खीर पाए जाते थे, अमृत। तभी के लिए राजा दशरथ को ही सौंपा गया। तो राजा दशरथ ने खीर को लेकर के अपनी तीनों रानियों में विभाजित किया और वे लोग उस अमृत खीर को ग्रहण करने के बाद साक्षात आनंदित हुए। यहाँ पर तो वर्णन किया गया कि भगवान जो हैं साक्षात पृथ्वी लोक पर आ रहे हैं, कि जब भगवान आते हैं पृथ्वी लोक में इसके पीछे एक कारण होता है, एक नहीं बल्कि बहुत कारण होता है। तभी के लिए शास्त्रों में भी निर्धारित किया गया, वर्णन किया गया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जब साक्षात भगवान पृथ्वी लोक पर ही आते हैं, भगवान अवतरित होते हैं, तो सबसे पहले परित्राणाय साधुनाम यानी कि संत साधुओं की संरक्षण और साथ ही साथ विनाशाय च दुष्कृताम, जितने भी नकारात्मक शक्ति होते हैं इन सभी चीज़ों का सर्वनाश। तभी के लिए भगवान यहाँ पर तो आ रहे हैं, साक्षात भगवान श्री विष्णु जो हैं अवतरित होने वाले हैं श्री राम के ही रूप में। तभी के लिए यहाँ पर पहले से ही ब्रह्मा जी जो हैं साक्षात समस्त देवगण को संकेत कर ही लेते हैं कि भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु जो हैं पृथ्वी लोक पर ही आने वाले हैं, तो चाहो भगवान की ही मदद करने के लिए आप सभी लोग धरती लोक में चले जाए, अपने अपना रूप बदल करके चले जाए। तो अभी के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया, ब्रह्मा जी ने वर्णन किया जिस प्रकार से इंद्रदेव हैं साक्षात बन जाते हैं वाली, सूर्य हो जाते हैं सुग्रीव, बृहस्पति हो जाते हैं तारा, कुबेर हो जाते हैं गंधमंडन, उसी प्रकार से विश्वकर्मा नल और अग्नि नील, अश्विनी कुमार मेंढा और द्विविदा। तो इसी प्रकार समस्त देवगण जो हैं पृथ्वी लोक में आ जाते हैं भगवान की ही मदद करने के लिए। तो यहाँ पर बाद में चैत्र मास आए, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त, तभी के लिए इसी मुहूर्त में भगवान ने जन्म ली। साक्षात कौशल्या माता ने रामचंद्र जी को, सुमित्र ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, और कैकेयी माता ने साक्षात भरत को जन्म दिए। तो इसी प्रकार से जब अयोध्या में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत जन्म लिए तो बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया कि यहाँ पर साक्षात राजा दशरथ ने दान पुण्य इत्यादि किया और साथ ही साथ यहाँ पर 13 दिन बाद तीन चारों बालकों का तो नामकरण जो है संस्कार किया गया। तो देखिएगा कि यहाँ पर अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया कि 13 दिन बाद, यहाँ पर तो यदि हम लोग चर्चा करें कि रामायण में हम लोग क्या सीखते हैं, यहाँ पर तो अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया, क्या स्पष्ट किया गया, नामकरण संस्कार। आजकल के लिए क्या होता है, हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं बस अपने आप जो हैं हम लोग नाम रख लेते हैं, सिविल स्टेटस में जा करके जो नाम हम लोग वहाँ पर दर्ज करते हैं उसी नाम हम लोग लेकर के बच्चे को हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रामायण में राम कथा में क्या दर्शाया गया, नामकरण संस्कार। क्या हम लोग नामकरण संस्कार पालन करते हैं, हम लोग करते हैं नहीं? तो यहाँ पर संस्कारों को ही यहाँ पर दर्शाया गया कि हम लोगों को संस्कार का पालन जो है करना चाहिए। और यहाँ पर खास करके वर्णन किया गया 13 दिन बाद यहाँ पर नामकरण संस्कार किया गया। नामकरण संस्कार वास्तव में क्या होता है कि वहाँ पर जो है पूजा किए जाते हैं, हवन इत्यादि जो हैं किए जाते हैं। यदि हम लोग देखें
तो यहाँ पर मॉरिशस परंपरा में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सब कुछ थोड़ा सा अलग ही हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, यदि हम लोग कहेंगे कि 13वां दिन बाद हम लोगों को पूजा करना है, तो लोग यहाँ पर कहेंगे कि हम लोग अभी तक अशुद्ध हैं, हैं हम लोग अभी तक अशुद्ध हैं। लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके यहाँ पर दर्शाया गया 13वें दिन बाद जो है नामकरण संस्कार जो है करनी ही चाहिए। क्यों? संस्कार जो है वो पूजा है, तभी के लिए 13वें दिन बाद जो है पूजा जो है करनी ही चाहिए। जिस प्रकार से जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे बोला जाता है प्रसूता, माताजी जो हैं वो स्नान करते हैं, कभी के लिए होते हैं 6 दिन, कभी के लिए 12 दिन, मुहूर्त अनुसार जो है हम लोग निकालते हैं। तभी के लिए यहाँ पर दर्शाया गया प्रसूता स्नान, कि प्रसूता स्नान यानी कि जो सूतक होते हैं, जो आप लोग कहते हैं अशुद्धता की अवस्था में, वो सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों तक, 12 दिन तक। तभी के लिए यहाँ पर जानबूझ करके, क्योंकि राजा दशरथ के दरबार में बड़े बड़े संत साधु बैठे थे, क्या उन लोगों को पता तो नहीं है इसके बारे में? तभी के लिए जानबूझ करके 13वें दिन बाद जो है रखा गया नामकरण संस्कार। तो साक्षात नाम रखा गया बालकों का, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न साथ ही साथ भरत। इति प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान के। Yeah।
आज आप लोगों ने बॉम्बू के हिंदू कैलाशनाथ मंदिर में यज भी देखा, उसमें भाग भी लिया। रामनवमी के शुभ अवसर पर आप लोगों ने रामायण रामचरितमानस के चौपाई और दोहे भी सुने अनुवाद के साथ। ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होने जा रहा है और ये जो कार्यक्रम है रामनवमी का, ये चलेगा 10 दिनों तक। इसे सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।